बार बोला है मुझे मत कॉल किया करो ना। आपको एक ही बात कितनी बार समझाऊं मैं? मैं इस टाइम ऑफिस में काम करता हूँ, आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आई एम बिजी। लेकिन आपको एक ही बात कितनी बार बताऊं? कहा था ना कि मैं बिजी हूं। आदि। हाय। कैसे हैं आप? आओ। सो, खाना वाना खा रहे हो कि नहीं? पतले हो गए हो। हाँ, लेकिन तुझे किसे पता कि मैं यहाँ पार्क में हूँ? आपके ऑफिस गया था आपको ढूंढते ढूंढते, और वहाँ पता चला कि आप जल्दी निकल गए, और शाम के 5:30 बजे सोनाली मैम इधर नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगी? अभी भी यहाँ रोज आते हो? हाँ, आ जाती हूँ कभी कभी, कुछ यादें बुलाने के लिए। और जब जब तेरी बहुत याद आती है ना, तब लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? बचपन पे ना तू तो बस बहाने ढूंढा करता था इस पार्क में आने के लिए, चाहे वो स्कूल के बाद ही क्यों ना हो। मम्मी मम्मी आज पार्क जाएंगे प्लीज, और तेरी गोल गोल गाल देख के ना मैं पिघल जाती थी। और जब तू अपने पापा को बहुत मिस करता था ना, तब हम यहाँ आते थे। तेरा जॉब कैसे चल रहा है? वो चल रहा है, मतलब ठीक चल रहा है। वो पिछला वाला तो छोड़ दिया था मैंने, आपको पता ही है, और ये नए वाले में भी आई डोंट नो, अजीब सा है, शायद मैं ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरों को देखता हूँ वो तो कर पाते हैं, वो क्या है ना, बचपन से ही शायद आपकी लाड़ प्यार की आदत लग गई है मुझे, जो अच्छी चीज़ है। मैंने जो मांगा आपने दिया, जो चाहा वो मुझे मिला, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अकेले भी वक्त चाहिए। उसी घर की 4 दीवारों में बैठा रहता था मैं, आप और मैं बस, किसी और से कितना कम मिलता था मैं। और मैं काम कर सकता हूँ, इससे बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन शायद बचपन में अगर मुझे थोड़ी खुली हवा मिल जाती ना, तो आज मेरा इतना दम नहीं घुटता। सही टाइम पे मैंने फैसला ले लिया तो, लेकिन आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं अकेले संभाल सकता हूँ और अकेले ही संभालना चाहूंगा। लेकिन मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी, तेरे पापा के जाने के बाद मैं तुझे नहीं खोना चाहती थी। मानती हूँ मैंने तुझे अपने से कभी दूर नहीं जाने दिया, इसीलिए तू आज मुझसे इतना दूर हो गया। इतना टाइम हो गया है, घर आ जा।
reach is not accepting calls at this time. Please try your call again later.